अस्सलामु अलैकुम डियर रॉकियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर जवेरिया बशीर एंड आई एम हेयर टू टीच यू आईडी फ्रॉम द बुक कंप्यूटर विज़ 4। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकेंड ऑनलाइन क्लास। यू शुड हैव दिस बुक कंप्यूटर विज़ for grade 4 third edition and a pencil with you. Dear students, you have to open page number 2. On page number 2 there is a chapter number 1, and the name of chapter number 1 is Reviewing Computers. Topic name is Reviewing Computers, which means computers ka jaiza lena, computers ka review karna. Okay dear student, in our previous class we learned about some terminologies. First of all, we will revise those terminologies and then we will start our today's lesson. So what was our first terminology? Hamari pehli terminology kya thi? Our first terminology was compute, which means to calculate या फिर हिसाब करना. Second one is extremely means बहुत ज़्यादा या फिर इंतहाई. Third one is accurate means सही, दुरुस्त या फिर free from mistake. Fourth one is execute means फुलफिल करना या अमल में लाना. Fifth one is state-of-the-art. State-of-the-art means jadeed tareen. Koi aisi device jo market mein bilkul advanced feature ke saath available hoti hai, usko kehte hain state-of-the-art. Sixth one is microcomputer. Dear student, microcomputer is the smallest computer. We also call it a PC or personal computer. Seventh one is supercomputer. Supercomputer is the largest computer that is used to perform most complex calculations. Eighth one is digital. Digital means discrete. Dear student, digital means discrete. Discrete data वो होता है जो अलग अलग होता है, यानी digits form में होता है. ठीक है, डिजिट फॉर्म में मींस नंबर्स में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है. नाइन्थ वन इज एनालॉग. एनालॉग इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट हैज कॉन्टिन्यूस वैल्यूज. एंड टेंथ वन इज हाइब्रिड. हाइब्रिड मींस मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों को मिलाने के बाद जो थर्ड चीज़ इन्वेंट होती है उसको कहते हैं हाइब्रिड. डियर स्टूडेंट, दिस वॉज आवर प्रीवियस लेसन. आई होप कि आपने इस लेसन को बहुत अच्छे तरह से देखा होगा, इसको समझा होगा, इसको पढ़ा होगा, इसको कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन लिखा होगा और इसको याद भी किया होगा. सो लेट अस प्रोसीड अहेड एंड स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 2. Topic name is Reviewing Computers. Dear student, first of all you have to write day and date on the top of the page and then we will start reading. The word computer comes from compute, which means to calculate. जो word है computer वो कहाँ से आया है? Compute से, which means टू कैलकुलेट, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना यानी हिसाब करना. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. ठीक है, जिसको रन होने के लिए, चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. विच कैन रिसीव डेटा, जो कि डेटा को रिसीव करती है. डेटा मींस एनी वर्ड, एनी नंबर, एनी इमेज, जो भी आप अपने आसपास एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं कंप्यूटर को में एंटर करने के लिए.
respond to a specific set of instructions और स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड करता है। किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर्स की। स्पेसिफिक मीन्स ख़ास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन हदायत का सेट, यानी कि ख़ास हदायत का सेट को कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता है एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, और जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं उनको एग्जीक्यूट करता है या फिर रन करता है। ओके, सो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हुई? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन रिसीव डेटा, रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। अ कंप्यूटर इज एक्सट्रीमली फास्ट। कंप्यूटर जो है वो एक्सट्रीमली फास्ट है, यानी कि इंतहाई तेज़ है। मीन्स के उसकी प्रोसेसिंग पावर, उसका काम करने की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ है। इट कैन कैरी आउट हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मिनट। वो हंड्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक मिनट के अंदर कैरी आउट कर सकता है। ठीक है, कैरी आउट मीन्स पूरा करना। तो कंप्यूटर जो है हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक मिनट के अंदर पूरा कर सकता है। ओके, अ कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करता। इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स। वो किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करता। इट फॉलोज इंस्ट्रक्शंस एंड ओनली डज व्हाट इट इज़ टोल्ड। वो जितनी भी हिदायत हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करता है एंड ओनली डज, और सिर्फ वही काम करता है व्हाट इट इज़ टोल्ड, जो उसको बताया जाता है। वो खुद, डियर स्टूडेंट, वो खुद से कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ वही काम करता है जिसकी इंस्ट्रक्शन उसे दी जाती है। कंप्यूटर की बात हो रही है। इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। तो कंप्यूटर जो है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में, अपनी मेमोरी में सेव करता है। इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली। वो लगातार काम करता रहता है विदाउट स्टॉपिंग, रुके बगैर। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर जो है वो रुके बगैर लगातार काम करता रहता है, क्योंकि वो थकता नहीं है और ना ही वो बोर होता है काम करने से। तो इस वजह से रुके बगैर कंप्यूटर लगातार काम करता रहता है। प्यारे बच्चों, आपको इसी पेज पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है? डैट क्वेश्चन इज हाउ हैव कंप्यूटर्स बेनिफिटेड यू। कंप्यूटर्स जो है वो आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचाता है, कंप्यूटर्स किस लिए फ़ायदेमंद है आपके लिए? तो आप मुझे बताएंगे कि कंप्यूटर किस तरह फ़ायदेमंद है, क्या क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर्स के आपके लिए। ठीक है, सो जो फ़ायदेमंद है कंप्यूटर वो किस तरह है? कंप्यूटर्स हैव बेनिफिटेड अस टू डू और वर्क फास्टर। कंप्यूटर हमारे लिए फ़ायदेमंद इस तरह है कि ये हमारा काम जो है वो फास्टर, यानी कि तेज़ करता है। दे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज़ में एंड ऑफिसेज एंड बैंक्स, और बैंक्स और ऑफिसेज में यूज़ होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने लेड पेंसिल से बहुत नीट एंड बहुत क्लीन अपनी बुक पे अटेम्प्ट करना है और इसको लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 3। ओके, तो पेज नंबर 3 पे है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की जो हैं वो 3 अकसाम हैं, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, कीप रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड कि कंप्यूटर की 3 से ज़्यादा अकसाम भी हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर की 3 अकसाम हैं, वो कंप्यूटर के साइज़ के अकॉर्डिंग है, यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की 3 काइंड्स हैं, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड
माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज। मेन फ्रेम जो है वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कि चीज़ें स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन स्टोर करने की काबिलियत या अहलियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट दे आर बल्की एंड एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत भारी, मोटे और महंगे होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन यूज़ देम एट द सेम टाइम, बहुत सारे लोग, कई सौ लोग उसको एक ही दफ़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ मेन फ्रेम। ज़्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ कहाँ पे होता है, बैंक्स में यूज़ होता है या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। आपको साइड पे एग्जांपल नज़र आ रही होगी मेन फ्रेम की, मेन फ्रेम है कंप्यूटर और उसके साथ बहुत सारे जो हैं यूज़र्स हैं जो उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो सेकंड टाइप इज़ अ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज़ स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, मिनी कंप्यूटर जो है वो एक मीडियम साइज कंप्यूटर है जो कि मीडियम साइज कंपनीज में ही यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर इज़ अ स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन अ मेन फ्रेम। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो मेन फ्रेम से छोटा भी है और लेस पावरफुल, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग जो स्पीड है, प्रोसेसिंग पावर है, वो थोड़ी मेन फ्रेम से कम है, ठीक है। इट सर्व्स फ्यूअर यूज़र एट अ टाइम, मेन फ्रेम के मुकाबले में इस पर कुछ लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मीडियम साइज़ कंपनीज, ये कहाँ यूज़ होता है, दरमियाने साइज़ की कंपनीज में यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट टाइप इज़ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो सबसे छोटे हैं और सबसे सस्ते हैं। दे आर द कंप्यूटर्स डैट वी सी इन होम्स एंड ऑफिसेज। ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम अपने घरों में देखते हैं या फिर ऑफिसेज में देखते हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको हम माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादातर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी जो स्पीड है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोर करने की या चीज़ें सेव करने की जो अहलियत है, वो बाकी दोनों कंप्यूटर्स के मुकाबले में कम है। यही वजह है कि ये ज़्यादातर घरों में और ऑफिसेज में यूज़ होते हैं, ठीक है। आपको नीचे विज कमांड भी नज़र आ रही होगी, विज आपसे कुछ कहना चाह रहा है, अब देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो विज कहना चाह रहा है, इंश्योर डैट कंप्यूटर्स आर क्लीन्ड रेगुलरली एंड आर फ्री ऑफ डस्ट, कि ये आप इंश्योर कर लें कि आप कंप्यूटर को जब भी यूज़ करें तो उसको साफ़ करें, और आप ये इंश्योर कर लें, ये यकीन कर लें कि वो फ्री ऑफ डस्ट है, यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म की मिट्टी या फिर डस्ट नहीं है, ओके जी। विज बाइट्स, विज बाइट्स में क्या है, अब विज बाइट्स इज़ लैपटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड लाइटर कंप्यूटर्स। टर्मिनोलॉजीज़ में आपको पिछले लेसन में मैंने बताया था कि जो माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं उसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन्स भी इंक्लूड हैं। तो लैपटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड लाइटर माइक्रो कंप्यूटर्स। लैपटॉप जो हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के और थोड़े जो हैं वो लाइट हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, बट आर मोर एक्सपेंसिव, लेकिन वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा महंगे हैं देन अ पर्सनल कंप्यूटर, या जो पीसीज हैं दूसरे उनसे महंगे हैं, ओके। तो लैपटॉप जो हैं वो इस टाइप के कंप्यूटर्स हैं जो कि महंगे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से या फिर पर्सनल कंप्यूटर से, ओके। आई होप डियर स्टूडेंट यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4।
पेज नंबर 4 पे है एक और टाइप कंप्यूटर की, एंड दैट इज सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर द स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स हैं जो लेटेस्ट हैं, यानी कि जो जदीद तरीन हैं और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, विद द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड. जिनकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड जो है, काम करने की स्पीड जो है, वो सबसे ज़्यादा है. सुपर कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स, ईच विद इट्स ओन सीपीयू. सुपर कंप्यूटर बनता कैसे है? सुपर कंप्यूटर्स जैसे आपका एक सीपीयू है जो अकेला काम करता है, ठीक है. अगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीपीयूज को इकट्ठा कर लिया जाए और वो तमाम के तमाम सीपीयूज किसी एक ही काम, कोई एक ही जो है प्रॉब्लम है उस पे काम कर रहे हों, तो उसको कहेंगे सुपर कंप्यूटर, ठीक है. उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है. सुपर कंप्यूटर्स वर्क ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम. सुपर कंप्यूटर जो है किसी एक प्रॉब्लम पे काम करता है एंड कैन सपोर्ट मैनी प्रॉब्लम्स एंड यूज़र एट अ टाइम. और बहुत से प्रॉब्लम्स, और जबकि अनलाइक मेन फ्रेम विच कैन सपोर्ट मैनी प्रॉब्लम्स एंड यूज़र्स एट अ टाइम. जबकि मेन फ्रेम का काम ये है कि ज़ाहिर वो ऑफिसेज में यूज़ होते हैं, ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, तो बहुत से यूज़र्स को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक ही वक्त में वो सॉल्व कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, उस पर काम कर रहा होता है. जबकि सुपर कंप्यूटर एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे काम कर रहा होता है, ठीक है. सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. सुपर कंप्यूटर जो हैं वो सबसे महंगे कंप्यूटर हैं पूरी दुनिया में. दे आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. और वो किस लिए यूज़ होते हैं? जितने भी साइंस के बहुत मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, फॉरकास्टिंग द वेदर, जो वेदर को है उसको फॉरकास्ट करने के लिए, यानी कि मौसम की पेशगोई करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए, एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च. और न्यूक्लियर रिसर्च में जितनी मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए. यूनिवर्सिटीज़, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च. और यूनिवर्सिटीज़ में, मिलिट्री एजेंसीज़ में और जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है, लेबॉर्टरीज़ में होती है, उसमें कौन से कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं? उसमें सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ठीक है. सो हेयर इज़ अ पिक्चर. आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें एक सुपर कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है, और ये एक सुपर कंप्यूटर है नासा का. अब नासा क्या है? नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये वो जो है, ये एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस पे रिसर्च करती है, ठीक है. स्पेस के बारे में रिसर्च करती है, ठीक है. ये उसका सुपर कंप्यूटर है. ओके, विज़बाइट्स क्या है? विज़बाइट्स में है द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज द चाइनीज टियानही 2, ठीक है. जो सबसे ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसका नेम क्या है? चाइनीज टियानही 2. आपको साइट पे एग्जांपल भी नज़र आ रही होगी सुपर कंप्यूटर्स की. एक और एग्जांपल है ये, ठीक है. ओके, सो डियर स्टूडेंट, आई होप के आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आपका होम टास्क है रीडिंग ऑफ पेज नंबर 2 to 4 एंड लर्न क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 2. आपको पेज नंबर 2 पे जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपने वो याद करना है, और रीडिंग जो है पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 4 तक, उस सब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है. सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फी अमानिल्लाह।